मैं पहले अल्लाह अल्लाह के रसूल के बाद हमारे सीएम साहब और ख़ासकर मेरे जो पॉलिटिकल गुरु है हमारे महमूद अली साहब और जितने मेंबरात है, ख़ासकर हमारे पार्टी के एमएलसी साहब फारूक हुसैन साहब और जितने मेंबर हमारे जावेद साहब है और कौसर हुसैन साहब में कौसर मुजुद्दीन साहब जितने भी मेंबरात है हमारे, मैं सबका दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग सीएम साहब ने मेरे को इतने बड़े अहदा नवाजा है, मैं सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस हज कमेटी में को करने के बाद मेरे को फिर वापस ये मौका दिया गया है कि वक्फ बोर्ड करने के लिए, और ख़ासकर इसके अंदर वक्फ की जितने जायदाद है ये सब लोग अपने वक्फ करते हैं, ख़ासकर अपने जितने यतीम असीर के लिए करते थे, और ये सब अल्लाह की घर की प्रॉपर्टीज़ है। इंशाल्लाह ताला हम हमारा स्टाफ हमारे खासकर मेंबरात पूरे मिलकर ये प्रॉपर्टी को अच्छे से अच्छा सेव करेंगे, वैसा जो भी हालात थे इससे अच्छा हम करेंगे, और अल्लाह के रसूल के बाद इंशाल्लाह हम सब मिलकर अच्छा काम कर जितना तहफ़ुज़ात हो सके वक्त के प्रॉपर्टियों का इंशाल्लाह ताला अच्छे से हम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ को, और इंशाल्लाह ताला अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट लेके आएंगे। जो टाइमिंग दी गई है सुबह 11 बजे से 1 बजे तक मैं खुद यहाँ अवेलेबल रहूँगा, कुछ भी आप लोगों के कंप्लेंट्स है सजेशंस है आप लोग प्लीज़ आइए या रूबरू रहिए, आकर हमारे को कोई भी चीज़ का अगर आपको कंप्लेन है बराबर हम यहाँ पे है, आपको सुबह 11 बजे से 1 बजे तक हम यहीं अवेलेबल रहेंगे, मैं ही बोल के नहीं हमारे मेंबर्स भी, आप आकर यहाँ पे हमारे को कंप्लेन भी कर सकते हैं, ख़ासकर कोई भी ऐसी चीज़ है। और मैं ख़ासकर जितने लोग ख़ासकर तेलंगाना स्टेट के जितने मुसलमान भाई हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, ये प्रोडक्शन का काम हमारा तो है, ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन आप लोगों को भी ये ज़िम्मेदारी है कि आप लोग भी ये चीज़ को प्रोटेक्ट करिए, ख़ासकर अगर ऐसी कोई चीज़ है तो हमारे तक इन्फॉर्मेशन दीजिए, इंशाल्लाह ताला हम हमारे मेंबरात हमारा स्टाफ ये चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे।